नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज भर्ती ग्राउंड पर और आज 28 सितंबर को हाथरस और मैनपुरी जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज लगभग 10-12 बैचेज GD के बने हैं। क्लर्क के आज 370 बच्चों का एक ही बैच बनाया है। ट्रेड्समैन में भी रोजाना की तरह 10th बालों का अलग और 8th क्लास वालों का अलग बैच बनाए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल ट्रेड के बारे में। टेक्निकल ट्रेड में रोजाना कम ही बच्चे आ रहे हैं, आज भी काफ़ी कम बच्चे आए थे, लेकिन आज टेक्निकल ट्रेड का अभ्यर्थी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन क्लर्क ट्रेड के हैं और उन्होंने वो देखा था, काफ़ी अच्छी बात वो बता रहे हैं। भैया, आज कितने बच्चों का लगभग बैच बना था आपके सामने? 60 बच्चों का। 60 बच्चों का, तो आज रोजाना की तरह टेक्निकल ट्रेड में सिर्फ 60 बच्चों का बैच बनाया गया, क्योंकि लगभग इतने ही बच्चे, लगभग 50, 60, 70, 75, 80 तक बच्चे टेक्निकल ट्रेड में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो लगभग भैया आज कितने बच्चों ने टेक्निकल में आपके सामने आप देख रहे थे क्वालिफाई की रनिंग? लगभग 80-85%। इनका कहने का मतलब ये है, ऑफ कैमरा जब हमने बात की थी तो ये बता रहे थे टेक्निकल ट्रेड वाले बच्चे, वो हालांकि निकल चुके हैं, लेकिन सारी बातें हमने उनसे की थी कि लास्ट में लगभग 60 बच्चों को दौड़ाया गया था, तो लास्ट में दो राउंड होने के बाद सिर्फ दो राउंड तक 20 बच्चे रह गए थे, यानी कि लगभग 40 बच्चे इन्होंने हार मान चुके थे दो राउंड में, उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया था, लेकिन लास्ट में जो 20 बच्चे बचे थे शेष दो राउंड में, उनमें से 18 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई कर ली। तो ये काफ़ी अच्छा चांस है टेक्निकल वालों के लिए, जो टेक्निकल ट्रेड में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप 4 चक्कर पूरे कंप्लीट करें। हो सकता है कि चौथे राउंड तक ही सिर्फ कुछ ही बच्चे रह जाएं और वो दौड़ना बंद कर दें। लगभग 15-20-25 बच्चे अगर रह जाते, उनमें से ज़्यादातर बच्चे रनिंग क्वालिफाई करने के यहाँ चांसेस होते हैं। तो ये आज टेक्निकल ट्रेड का हाल रहा है। अन्य ट्रेड के अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ भाई, GD के कौन है? GD? जी सर। किस बैच में दौड़े थे आप GD में? लास्ट बैच में दौड़े थे, लास्ट से एक पहले। अच्छा, कितने बच्चों का बैच था तुम्हारा? 300 बच्चों का बैच था। 300, तो कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? 20-22 बच्चों ने क्वालिफाई की। लगभग समय क्या दिया गया होगा? 5 मिनट लगभग। 5 मिनट, तो आपसे क्या कमी रह गई जिससे आप रसा क्रॉस नहीं कर पाए? ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ की वजह से गिर गए, इसलिए रनिंग क्वालिफाई नहीं हुई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए निकल नहीं पाए। वैसे आप प्रैक्टिस तो सिंगल करते हो, यहाँ ग्रुप में दौड़ना पड़ रहा है। आपने देखी भैया? क्लर्क का तो आज एक ही बैच बना है, 370 का बना दिया, गुस्सा निकाल दिया। जे जो साहब 13 पकड़े गए, सिर्फ 13 पकड़े। और GD वाले कौन है भैया? एक मिनट, एक मिनट। GD में आज कितने आप किस बैच में दौड़े? हम 8वें में। 8वें में। हाँ। कितने बच्चों का बैच था? 300। हाँ। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? 25 बच्चों ने। 25 बच्चों। हाँ। लगभग क्या टाइमिंग दी गई? 5 मिनट। 5 मिनट। 100 मीटर से रह गई। 100 मीटर? हाँ। से सिर्फ 100 मीटर से, पहले रोक दिया पहले ही। अच्छा, मौके हैं? मौके भी हैं, पहली थी। तैयारी बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी, कंटिन्यू है ना। भैया आओ, क्या कर रहे थे? हाँ बताओ, मैं कह रहा हूँ GD को 5:30 टाइम मिला है। अच्छा, कितने कौन से बैच में दौड़े थे आप? 10वें में दौड़ा हूँ। 10वें। कितने बच्चों का बैच था? 300। कितने बच्चे पकड़े आपके बैच में से? 22-25 से करीब हुए। और 5:30 टाइम मिलो, मेन टाइम लगा हर बैच को। अच्छा, तो सही मिल रहा है टाइम? हाँ। तो ये बच्चे सब बदनाम कर रहे हैं, फौज है। जब मन ने हरी तो कहो 5 को बच जाए तो दौड़ मर गई। क्या करें, दौड़ मत जाए तो दौड़ मरेगी, ना मरी तो 5 को मिल लो, 5:30 का टाइम मिल लो, बढ़िया मिल लो। आप यानी संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, हाँ बढ़िया। तो देखिए, GD ट्रेड में लगभग 250 बच्चों से तो अधिक बैच बनाया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एवरेज देखा जाए GD ट्रेड में 20+ बच्चे यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। टाइमिंग तो देखो, आप समझ सकते हैं कि आगे लगभग 20-25-30 बच्चे जिस टाइमिंग में आ जाए वही टाइमिंग रहती है प्रत्येक बैच की, फिक्स टाइमिंग कुछ नहीं है। अगर मान के चलो कोई बैच, किसी बैच में लगभग 20-25 बच्चे अगर 5 मिनट 5 सेकंड तक आ जाते हैं तो उस बैच की वो टाइमिंग हो गई, किसी किसी में 5:30 तक आ पाते हैं तो वो हो गई, तो टाइम का तो आप समझ सकते हैं। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। और मेरे सहयोगी गौरव शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।